प्रकृति भी कितनी अजीब है, अलग अलग जानवरों की अलग अलग नस्लें देखने को मिलती है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, ना साइंस में पढ़ी थी। खास तौर पर अभी एलिगेटर गार फिश की बात करें, कभी हेडलेस फिश की बात करें, कभी फ्लाइंग फिश की बात करें। अब इसी कड़ी में एक ऐसी मछली की प्रजाति पाई गई है जिसके जो दांत हैं वो मानव वाले हैं, यानी कि ह्यूमन टीथ उसके हैं। कभी भी साइंटिस्ट ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की कोई मछली होगी, लेकिन अब ये मिल गई है। ये सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल हो रही है। ये मछली कौन है और क्या ये एलिगेटर गारफिश और हेडलेस फिश की तरह हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, इस वीडियो को उसके लिए अंत तक देखें। चौंका देने वाली ये तस्वीर है अमेरिका के वर्जीनिया की। यह समंदर में मंडराती एक अजीब सी मछली ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, हर कोई चौंक गया है। जिसकी तस्वीरें अब इंटरनेट पर वायरल है, रिपोस्ट है, रिट्वीट्स हो रही है। 38 वर्षीय स्पीयर फिशर टॉड एल्डर एक दिन समुंदर में निकले, मछली पकड़ रहे थे। इसी बीच उनके हाथ एक ऐसी अजीबोगरीब मछली मिली जिसे देखकर वो खुद ही हक्के बक्के रह गए। समंदर में मिली इस मछली के दांत हूबहू ह्यूमन टीथ यानी कि इंसानों की तरह हैं। उसका सिर का आकार बाकी मछलियों के मुकाबले काफी बड़ा है। वैसे एक मछली तो ये है, लेकिन देखने में काफी डिफरेंट लग रही, विचित्र लग रही, और कोई भी इसे देख रहा है तो डर रहा है। जिसने इस मछली को पाया वो ये बता रहा है कि तैरते हुए नीचे गए और आखिर में उन्होंने इस मछली को पकड़ लिया। इस मछली के दांत बिल्कुल उन्हें ह्यूमन टीथ की तरह लगे जिसके कारण वो डर गए। 8.5 किलोग्राम की मछली है। इसके मजबूत दांतों से कॉकस, आइस्टर और क्रैब्स तक को ये खा जाती है। इस मछली का जो लाइफ स्पैन है वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसकी उम्र ही 15 साल है। 8.5 किलो से ज्यादा की ये मछली है। 15 साल तक सरवाइव करने वाली ये मछली है। मछली के मिलने पर उसके वजन को मापने पर जब जोर दिया गया तो सभी हक्के बक्के रह गए। समंदर में ये जो अजीब सी मछली मिली है ये शीप हेड फिश बताई जा रही है। इसके चलते एक विश्व रिकॉर्ड ये बना चुकी है। 3 से 4 पाउंड की मछलियां होती हैं, 102 किलो की मछलियां होती हैं, लेकिन ये मछली तो 9 किलो से ज्यादा की मछली है। 8.5 किलो से तो शुरू होती है। मानव जैसे दांत है, शीप हेड ये फिश है, और ये अमेरिका में अभी पाई जा रही है। इंसानों को अभी तक नुकसान पहुंचाने की खबर नहीं है, लेकिन जो दांत है उसके आसपास जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे लॉयस्टर, क्रैब, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से चबा चबा कर खा जाती है।